हनुमानगढ़ जिले के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए जिला पुलिस प्रशासन अब किसानों को नजर बंद करने लगा है। उन्हें चेतावनी देने लगे हैं और झूठे मुकदमे डालने की चेतावनी दी गई है, ऐसा कहना है संगरिया के किसानों का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस प्रशासन उन्हें डरा धमका रहा है और उनके घरों के आगे पुलिस की टीम भेज रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं। पिछले दो दिनों से किसान रतनपुर तिराहे पर धरना लगाकर बैठे हैं और वो दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 16 फरवरी को पूरा भारत बंद है और इस दौरान अगर मोदी सरकार के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो वो उसे नहीं होने देंगे, भले ही उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एनडीटीवी संवाददाता मनीष शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर हालात जाने हैं। किसानों ने क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं आपको। दिल्ली चलो के आह्वान को लेकर किसान अपने घरों से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते इन्हें अपने अपने क्षेत्रों में रोक दिया गया। आक्रोशित किसान रतनपुरा नाके पर पहुंचे, जहां से पुलिस प्रशासन ने इन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया, जिसके बाद में आक्रोशित किसान यहीं धरने पर बैठ गए। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उन्हें दिल्ली जाने के लिए पुलिस प्रशासन यहां से नहीं गुजरने देगा, तब तक ये किसान ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। जहां जहां किसानों को रोका जाएगा वहां ये धरना लगाएंगे। हालांकि इनका यह कहना है कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि कुछ छुपे हुए जो रास्ते हैं, कुछ छोटे जो रास्ते हैं, वहां से किसान निकल जाए, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वे देश के अन्नदाता हैं, चोर नहीं। मेरे साथ कुछ यहां धरने पे किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपने बताया कि कुछ किसान दिल्ली पहुंच भी गए हैं, आप यहाँ पे आपको रोक लिया गया, आपको भी घर पे नजरबंद करने का प्रयास किया गया, क्या कुछ कहेंगे पूरे बात पर? बिल्कुल, जो 13 तारीख को हमारा जो कॉल थी, हम निकल रहे थे पूरी तामझाम के साथ, पुलिस प्रशासन मेरे गांव बुगलावाली को घेर लिया, एडिशनल एसपी डीएसपी सभी मेरे घर पे पहुंच गए, पर कैसे ना कैसे करके मैं तो निकल गई, मेरे गांव के किसान निकल गए और यहां तक पहुंचे। यहां उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया तो हम यहीं पे बैठ गए। हमने ये ठान लिया है कि हम वापस नहीं जाएंगे, दिल्ली तो जाके रहेंगे, चाहे वो कैसा भी रास्ता हमें अपनाना पड़े। और एक चीज और, हो सकता है हमारा जो कल का जो प्रोग्राम है, जैसे भाई सिंह या टिब्बी से इनको नजरबंद किया, सुबह इनके घर पे पुलिस प्रशासन पहुंच गई है, तो मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि कल कहीं पुलिस प्रशासन मेरे गांव बुगलामाली भी न पहुंच जाए, मुझे भी नजरबंद ना कर दे। पर मैं एक बात बताना चाहती हूं कि अगर इस आंदोलन को आप दबाओगे तो ये उतना ही उग्र होगा, अगर हमें एक जाने को रोकोगे तो 10 जाने पीछे आएंगे। ये मैं मोदी सरकार को बताना चाहती हूँ कि ना तो राजस्थान का किसान डरा है, ना ही डरेगा, और ना ही नाकाम जो इनके कोशिश है उनके, उनको नाकाम नहीं होने देंगे हम। जिस तरह से ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर किसानों ने घोषणा की थी कि वो दिल्ली तक जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली नजर नहीं आ रहे, क्या कारण रहे इसके? बिल्कुल जी, इन्होंने इनके जो बीट अधिकारी, इन्होंने गांव-गांव में ड्यूटी लगा रखी है कि कोई भी अगर प्लानिंग करता है गुरुद्वारा साहब में मीटिंग करता है, और उनको ये डर बैठाओ कि अगर आप ट्रैक्टर ट्राली लेके निकले तो निकलोगे तो आप पे केस दर्ज किए जाएंगे और आपकी ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया जाएगा। ऐसा मैसेज इन्होंने बीजेपी सरकार ने फैला दिया, जिससे हमारे किसान थोड़े डरे हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, हम पूरे के पूरे तैयार हैं, डरेंगे फिर भी नहीं है, चाहे हमें जान की बाजी लगानी पड़े। हम बाबा बंदा सिंह बहादुर और हरी सिंह नलवे की हम कौम है, उनके वारस है, उन्होंने संघर्ष किया था, देश को आजाद कराया था, ब्रिटिश सरकार से पहले आजादी दिलवाई थी, अब हम बीजेपी मोदी सरकार से देश को आजाद करवा के रहेंगे। निश्चित तौर पर किसानों का जो जोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कुछ और भी साथी मौजूद है, आप बताइए इंद्रजीत जी, क्या कुछ व्यूहरचना रहेगी जिस तरह से सरकार ने आपको यहाँ पे रोक दिया, जिसके चलते आप धरने पे बैठे हैं, कुछ साथियों के घर भी पुलिस पहुंची थी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे ड्रामेटिक सिस्टम के ऊपर, और साथ के साथ दिल्ली जाने को क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? पहले से ही यह रहा है, हमारे जो पिछला आंदोलन था भी, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, ये हमारे किसान और मजदूर भाई सच्चारे का भी आंदोलन है। इसीलिए पहले जो आंदोलन था उसमें हमारी किसानों की ही सिर्फ मांगे थी, वो मांगे तो बरकरार रही, लेकिन इस बार नरेगा मजदूरों के लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी, उनकी नरेगा की दिहाड़ी 700 रुपये और 200 दिन उनको नरेगा की रोजगार देने के लिए भी हमारी मांग उठ रही है। अब हमारे जो पंडेर यूनियन है किसानों की, मजदूरों की पंजाब से, वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ रहे हैं, और हम किसान और मजदूर एकता का जो नारा दिया था उसे अमली जामा पहना रहे हैं, और हमारा साथ रहेगा तो हम जीतेंगे, और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। धन्यवाद।
निश्चित तौर पर जिस तरह से किसानों ने कहा कि अब जल्द ही जिस तरह से सरकार द्वारा किसानों को रोका जा रहा है, जल्द ही जो इलाके के जो मजदूर यूनियन है उनको भी अपने साथ लेकर ये किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएं। कुछ और भी साथी मौजूद है, आप बताएं कल को लेकर क्या कुछ भी रचना रहेगी आपको? कल हमारे को जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो कॉल आई है भारत बंद की है, तो कल हमारा जो जहाँ संगरिया कस्बा है उसको हम पूरा दिन बंद रखेंगे और आगे जो भी हम संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आएगी हम उसका पालन करेंगे। जिस तरह से किसानों को लगातार रोकने के प्रयास चल रहे हैं, कुछ किसानों के पुलिस भी घर जा रही है, उन पर प्रेशर भी दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ किस तरह से देखते हैं? ये सरासर गलत है पुलिस प्रशासन का। जब किसान कोई धक्काशाही कर ही नहीं रहा, कोई कानून हाथ में ले ही नहीं रहा, तो उनके घर पे क्यों दंडिशें दी जा रही है, क्यों उनको उकसाया जा रहा है कि वो कानून हाथ में ले और प्रशासन पुलिस प्रशासन से टकराव ले? हम ऐसा कभी नहीं चाहते। हमारा किसान ने ना तो आज तक, पहले हम 13 महीने बैठे हैं वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे, वहाँ पहले हमारे सिंह साहब ने बताया को उन सरकार की वजह से ही 700 किसान शहीद हुए हैं, लेकिन किसान की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अभी भी जब हम वहाँ पे धरना छोड़ के आ रहे थे, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो हमारे को रो रो के गले लगा के वहाँ से वर्कर घर भेज रहे थे कि आप हमारे पास रुको, अब ये कह रहे हैं कि उनको परेशानी होगी। हमने जब पहले 13 महीने किसी को परेशानी नहीं दी, तो आज हम जाके हम किसको परेशानी देंगे? ये सरासर सरकार गलत कर रही है, किसानों के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर रही है, ये सरकार को नहीं करना चाहिए। इसी तौर पर किसान जिस तरह से लगातार सरकार ने जो किसानों को रोकने का निर्णय किया है उसके ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कुछ और भी साथी मौजूद हैं, आप ये बताएं कि आपको जिस तरह से सरकार ने आज बताया कि पुलिस आपके घर पहुंची, आपको नजरबंद किया, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा भी और भी साथियों ने बताया कि आज का जो हमारा टिप संगरिया रतनपुरा बाईपास पर जो आज हमने सुबह 10 बजे एक मीटिंग करनी थी और उस मीटिंग में जो आगे के निर्णय लेने थे, जब उसका इनके सीआईडी अधिकारियों के द्वारा टिब्बी थाना में भी पता चला, तो आज सुबह लगभग 9-10 बजे जो वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारी वो हमारे घर पर आए और उन्होंने आकर के बोला कि जहाँ तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप पर पुराने झूठे मुकदमे चलाए जाएंगे और फिर भी अगर आप नहीं मानोगे तो आने वाले समय में आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो हमने उनको बोला कि हम ना तो किसी आपके झूठे मुकदमे से डरेंगे, ना आपकी लाठी से डरेंगे, हम सिर्फ जो ये किसान और मजदूर की लड़ाई है इसको लेकर के दिल्ली तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट किया था तो उस समय हमने देखा था कि हमें बहुत सी उम्मीदें थी माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे दिल में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्यार है हम उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं, परंतु जो ये बीच में एक पुलिस नाम की कड़ी आ जाती है हमें उनसे मिलने के लिए रोक रही है, क्योंकि वो हमारे माननीय है। जैसे बोला जाता है कि देश सबका साथ सबका विकास, बहुत से नारे दिए गए, परंतु अब सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा साकार हो रहा है कि सबका साथ और दो का विकास। हम उस नारे को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि आजादी से पहले भी हमने सिर्फ और सिर्फ देश हित में ही हमारी कुर्बानियां दी थी। हमारा आज का जो सिर्फ मकसद है कि राष्ट्रहित हमारा सर्वोपरि है, क्योंकि जो ये देश की सरकार है ये राष्ट्रहित का नारा जरूर दे रही है पर ये राष्ट्र विरोधी नई नई पॉलिसियां लेकर आ रही हैं। हम उन राष्ट्र विरोधी पॉलिसियों को लागू नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कौन सी हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। निश्चित तौर पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार जिस तरह से राष्ट्र विरोधी इन्होंने बताया, इनका यह आरोप है कि सरकार राष्ट्र विरोधी नीतियां बना रही है, इसको ये साकार नहीं होने देंगे। कुछ और बुजुर्ग साथी भी मौजूद हैं, आप बताएं आपकी क्या व्यूहरचना रहेगी और जिस तरह से सरकार लगातार आपको रोके जा रही है, आगे आप जिस तरह से कह रहे हैं हम दिल्ली जाकर ही रहेंगे, तो उसको किस तरह से साकार होता देख रहे हैं आप? हम घर से जिस बार निकले हैं उसको पूरा करके रहेंगे। किसानों ने पहले 2020 में भी यही काम किया है, पहले ही रोका गया था, किले बिछाई गई थी, लेकिन किसान उस पर नहीं रुके हैं। इस बार हम दिल्ली ही जाएंगे, घर से निकले हैं, दिल्ली के लिए निकले हैं। अब हमें यहाँ का प्रशासन डरा रहा है कि आप 20 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो रहे, हो सकते दुवाली चमाली धारा लगी हुई है, और यहाँ पर कल को मोदी का कोई लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लाखों आदमी को बुला रहे हैं, तो वो धारा चमाली में नहीं आता। ये किसानों के लिए धारा चमाली लगाई हुई है, हम किसी से डरने वाले नहीं, ना डरेंगे ना रुकेंगे। हम अपना जो हमारे कानून उन्होंने माने थे उनको लागू करा के ही रहेंगे। हम दिल्ली के लिए आए हैं, दिल्ली के लिए जाएंगे।
निश्चित तौर पर किसानों ने साफ कहा है कि जो इनकी जो मांगे हैं, जिनके ऊपर सरकार ने अपनी सहमति दी थी, जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मांगेगी मान लेगी तब तक सरकार, ये जो किसान है ये अपने घर से दिल्ली जाने के लिए निकले हैं और ये दिल्ली जाकर ही दम लेंगे। जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती इनका घर जाना बहुत मुश्किल है, तब तक ये घर जाएंगे भी नहीं। इन्होंने अपना रुख साफ कर दिया। हालांकि जो पिछले 2-3 दिन से प्रशासन अपना सख्त रुख इख्तियार कर रहा है, अब देखने वाली बात ये होगी किसानों का जो जोश है वो लगातार बढ़ रहा है और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये घर नहीं लौटेंगे। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा हनुमानगढ़।